राजस्थान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती 128वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और खास करके दिंडोकी से के सारे क्षेत्र में, मैं क्रांति नगर हो, भीम नगर हो या हमारा ये फूले नगर हो, ऐसे अनेक बस्तियां हैं जहां से रात को 12 बजे तक ये जयंती उत्सव मनाने के लिए हमारे सारे भीम सैनिक यहाँ पर अनेक कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है और एक अच्छा चैतन्य का वातावरण है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो शिक्षा दी थी, शिका आणि संघटित व्हा, उस शिक्षा के ऊपर हमारे सारे कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज को लेकर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को जिस तरह से एक घटना इस देश के लिए उन्होंने दिया है, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस देश के लिए योगदान है और उनको प्रति एक प्यार हमारे सारे लोगों के मन में है। तो डॉक्टर बाबा साहब जी को हम अभिवादन करते हैं और 128वीं जयंती के पर्व पर सारे लोगों को मैं हम शुभकामनाएं देंगे। ऐसे है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो तालाब है जिसको शांतराम तालाब हम कहते हैं, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का म्यूरल नहीं था। जब मैं विधायक हुआ तो मुझे लोगों ने बताया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का म्यूरल वहाँ लगाया है और साक्षात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम देने के बाद, अंदर जाने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की म्यूरल के नाते एक दर्शन वहाँ के लोगों को हमेशा होता है। और ज्योतिबा, ये नगर की अगर बात करें तो ये यहाँ पे विकास का बहुत दिनों से लटका हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे कि विकास के लिए एसआरए से संबंधित ये सारे लोग हैं, इन्होंने अपने एग्रीमेंट जो किए वो एसआरए में सबमिट किए, कोई टेक्निकल कोई दिक्कतें होगी उसके कारण ये अगर काम रुका होगा, तो विधायक के नाते मेरा फर्ज है, इन लोग जब मेरे पास आएंगे और मुझे बताएंगे कि मेरा काम यहाँ रुका है और विधायक के नाते आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं उनके साथ रहूँगा, मेरा अधिकार का वापर उनके लिए पूरी तरह से करूँगा। वातावरण जिस तरह से महायुति ने पिछले 5 साल में काम किया है, मोदी जी ने A to Z जो जो वादे लोगों को किए थे उसके बारे में योजनाएं लोगों को दी है, इस दिंडोशी के क्षेत्र में हो या उत्तर पश्चिम जिले में, गजानन कीर्तिकर पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में विधायक थे, अब उत्तर पश्चिम लोकसभा में वो 5 साल सांसद रह चुके हैं, वही अनेक काम होंगे जो मलाड से लेकर चर्चगढ़ जाने के ट्रेन का काम होगा, लोखंडवाला से लेकर मुलुंड तक अप्पापाड़ा जोड़ने वाला डीपी रोड फॉरेस्ट में से जाने वाला होगा और अनेक कार्यक्रम CRZ का विषय हो, ऐसे सारे जो विषय है उसको लेकर संसद में उन्होंने विवाद किया, उसमें इंटरेस्ट जताकर रिजल्ट लाया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे संसद की जरूरत है और मुझे लगता है कि गजानन कीर्तिकर जी को यहाँ की जनता भारी मतों से उत्तर पश्चिम जिले में दोबारा एक बार संसद बनाए। थाटा मडत आंबेडकर जयंती साजरी करत असतात, गेले 11 वर्षापासून त्यांनी एकदम थाटा मठात जयंती साजरी करत असतात, एवढं माझं दोन शब्द बोलून मी जिल्हा अध्यक्ष 11 वर्ष झालं हे कार्यक्रम थांबत आहे। सगळ्या प्रयत्नाने अनेक आमचे भाचे त्यांच्या प्रयत्नाने कार्यक्रम होत असतो, पण आनंद असं होतो की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरने आम्हाला आजपर्यंत हे योगदान दिलेलं आहे, शिक्षणाचं, राहणीमानाचं, अनेक आम्हाला जगण्याचं, ते आमच्यासाठी दैवत आहे। त्या बाबासाहेब आंबेडकरच्या जयंतीतून आमच्या समाजाला बाबासाहेब आंबेडकर योगदान आहे आणि त्याच्यापासून आम्ही प्रेरणा आत होतो आणि
आनंद 128 जयंती आणि हे आमदार इथे आलेले होते काय बोलायचं आमचं राष्ट्रीय अध्यक्ष आठवले साहेब त्यांचं सगळं गठबंधन आहे आमचे जिथे नेते जातील तिथं आमचा समाज त्यांच्या पाठी जातच असणार त्यामुळं आम्हाला त्याच्याबद्दल काही रोष नाही. राजू भाई ज्योतिबा फुले नगर की अगर बात करें तो क्या कुछ अड़चन आया हुआ है जो अभी तक विकास नहीं हुआ है. बड़े बड़े दावे कर करते चले गए और 5 साल भी कितने आया क्या कुछ कारण है उसके पीछे क्योंकि आप लोग यहाँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा क्या है इसमें शासन प्रशासन की किसकी दिक्कत आ रही है क्या परेशानी है. हमें 1972 पसंद आता 1972 पसंद आमच्या आईवडील राहतात आमचे भाऊ मित्र आहेत वडील आहेत आणि सध्या आमच्याकडे त्यांचं काय आलेलंच नाही त्याच्याबद्दल काय बोलू शकत नाही. बाबासाहेब आणि आम्ही करत राहतो एवढी 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 घाबरली का झालं गंमत बोला ना. हां बोला बोला सदैव हे बाबासाहेबांचे कार्य करत राहतो आणि आम्ही त्या रक्तातले आहोत आम्हाला त्याचा अभिमान आहे म्हणून आम्ही वर्षानुवर्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती करतो. 6 डिसेंबरचं आम्ही गावगावचे जनता येतात त्यांना खाना दाना इथून पुरी भाजी बनवून आम्ही दादरला निघून देतो. तसे आम्हाला आम्ही त्या रक्तातले जन्मलेले आहोत बाबासाहेबांनी आम्हाला माणसं करून दिलं त्याच्यामुळे आम्ही आम्हाला त्यांची जास्त हे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी तक पहुँचाना चाहता हूँ और अपने यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज जो गरीब जनता झोपड़ा खाली करती है उनका पात्र पात्र का जो ये शब्द है इसको ये लोग निकालें और गरीब को उखाड़ा. ये पूरे उत्तर पश्चिम मुंबई जिला की मैं बात कर रहा हूँ किसी एक बिल्डर की नहीं बात कर रहा हूँ. एक कलेक्टर को कपूर साहब को आदेश करें कि जो भी पात्र पात्र हैं अगर उनका घर छत छीना जाता है तो उनको एटलीस्ट भाड़ा दिया जाए. पात्र पात्र करने का काम शासन और प्रशासन तुरंत करें. मेरा इतना ही कहना मोदी जी बोलते हैं मैं तो फ्री में घर दे रहा हूँ और इधर फडणवीस जी बोलते हैं हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना कोटे से दे रहा हूँ. लेकिन हमारी उनसे एक ही गुजारिश है कि लोगों को पात्र पात्र का एक नाटक बंद करके हर गरीब जनता के ऊपर से छत चली जाती है तो उनको भाड़ा देने का काम करें. पूरे उत्तर पश्चिम मुंबई जिला की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूं और मेरा संदेश आपको पहुंचाना है मीडिया के माध्यम से. थैंक यू.